Hi, this is Ruchika, and in this video, I am going to discuss uh, a topic of sociology that is social institution. Before I start with the main topic, social institution, let us first know because social means social, hone ke liye you need to have a society. So, what is society? It's a group of people who share their common beliefs, resources, ideas, cultures, and they live in a confined geographical area. So, uh, as we know, we cannot live alone, we need to live in a society. So, human tendency. Hai. सो लेट्स नो टॉक अबाउट द सोशल इंस्टीट्यूशन दे आर एस्टैब्लिश वेज ऑफ डूइंग थिंग्स क्योंकि सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स रखे हैं कुछ रेगुलेशंस रखे हैं कुछ डिसिप्लिन रखे हैं कुछ बिहेवियर पैटर्न रखे हैं विच वी हैव टू फॉलो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी सो वॉट डे डू दिट हेल्प टू क्रिएट यूनिटी अमंग द मैंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड ये इंस्टीट्यूशन को फॉर्वर्ड लेते हैं एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी वी हैव टू गो थ्रू सटन नॉर्म्स Uh, and they differ also from society to society it varies from society to society if each of uh, each one of the member does not follow norms there will be दे वुड बी अस क्योस मच जाएगा बिकॉज हर इंस्टीट्यूशन का एक डिग्री ऑफ परमानेंस रहती है उसकी सोशल इंस्टीट्यूशन की कि आपने जो एक इंस्टीट्यूशन में नॉम रख दिए हैं वो रख दी हैं जैसे हिंदूज में अलग नॉर्म्स हैं मुस्लिम्स में अलग हैं सिख्स मेंग हैं सो दे आर हैविंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ लिविंग सो इट इज़ अ ऑर्गेनाइज वे इन अदर वर्ल्ड वी कैन से लाइवलीहुड नो इट हैज अ रिलेटिव डिग्री ऑफ परमानेंस ऑल्सो एंड ये सोशल हेरिटेज को ट्रांसमिट करते हैं नो लेट्स टॉक अबाउट फैमिली फैमिली इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इट इज बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप इन द सोसाइटी एंड मोस्ट सिंपलेस्ट एंड एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ सोसाइटी इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड फैमलस विच मीन्स अ सर्वेंट सर्वेंट मीन्स आपके माँ बाप आपके जो ब्लड रिलेशन है इट इज अ सोशल यूनिट विच इज़ क्रिएटेड बाय ब्लड मैरिज और अडोपशन अडोप्शन से भी फैमिली बन जाती है शादी से और खून के रिश्ते जो है वो ऑटोमेटिकली फैमिली में आते हैं सो so, ये न्यूक्लियर भी होती है एक्सटेंडेड भी होती है ये बच्चे को हेल्प करती है हाउ इट वर्क एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इट हेल्प अ चाइल्ड टू लर्न सोशल बिहेवियर एक्सपेक्टेशन एंड रोल्स ज़्यादातर हम लोग चीज़ें जो हैं सबसे पहले जो है नॉर्म्स जो हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या पैटर्न ऑफ लाइफ जीने का तरीका है जो हम फैमिली से सीखते हैं एंड वो वेरी करता है फैमिली टू फैमिली नो सेकेंड कम्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज इकोनॉमी, इकोनॉमी की अगर हम बात करें ये एक सोसाइटी का जो है एक ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन सोसाइटी की और डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स की और कंजम्पन है गुड्स की सी मैन जो है इज नॉट अ सोशल ओनली अ सोशल एनिमल ही इज एन इकोनॉमिक बीइंग। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर अ सोसाइटी इज टू मेंटेन इट आप कैसे मेंटेन करोगे देर मस्ट बी फूड देर मस्ट बी क्लोदिंग देर मस्ट बी शेल्टर फॉर एवरी मेम्बर सो मॉडर्न मैन जो है वो स्पेंड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपनी लिविंग का इन जो है आप पैसा कमाने में करते हो क्योंकि आपको खाना भी है आपको पहनना भी है तो इस तरह के सो दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सो मल्टीफेस्ड वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स दैट दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज नोन एज इकोनॉमी इसको हम इकोनॉमी कहते हैं एंड द इकोमी मे बी ट्रीटेड एज अ सिस्टम और अ सब सिस्टम सो एकमी में आपका कैपिटलिज्म प्रॉपर्टी डिविजन ऑफ लेबर द कॉरपोरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल ग्रुप ये सब आता है नो कम्स द रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन सी रिलीजन की अगर हम बात करें इट इज ऑल्सो सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इट इज द मेजर कंसर्न ऑफ मैन सी इट इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द डीपेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग बहुत पुराने से चलता है मैन नॉट ओनलीज अजिस्ट बायोलॉजिकल सॉरी इकोनॉमिक एंड सोशल नीड बट ऑल्सो वॉट इज नोन एज अ रिलीजियस नीड सो मैन कैन नाट मैन कैन नाट लिव बाय ब्रेड अलोन रिलीजन जो है वो रिवॉल्व अराउंड करता है मैन के फेथ में सुपर सब सुपर नेचुरल फोर्सिस में जैसे कि ऑकबर्न ने कहा है रिलीजन इज़ एन एटीट्यूड टूवॉर्ड सुपर ह्यूमन पावर्स ये एक सिस्टम है बिलीफ का रिचुअल्स का सेक्रेटनेस का और ये हमें रिलीजियस एक्सपीरियंस भी देता है हमें पीस ऑफ माइंड भी देता है सो so, आपके पास हमारे पास इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजनज हैं तो ये जो है हमारे वेलफेयर को हमारे इनहान्स करता है सेल्फ इम्पोर्टेंस को और ये एज अ एजेंट जो है काम करता है सोशल कंट्रोल में तो नेक्स्ट इज़ योर एजुकेशन सी एजुकेशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर हम एजुकेशन की बात करें सो so एजुकेशन ने uh, आज से नहीं बहुत पुराने से हम लोग एजुकेट हो रहे हैं बिकॉज वी नो दैट एजुकेशन इज़ इन जनरल वी से दैट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर सो जितनी भी चेंजेस हमारे में आती हैं सोसाइटी में जितना भी बिकॉज ये आती है कुछ तो हमारी फैमिली से आती है कुछ रिलीजन से आती है और एजुकेशन भी उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है सो so, ये जो है सोसाइटी में बच्चों को टॉट करता है एकेडमिक नॉलेज भी लर्निंग स्किल्स भी और कल्चरल नॉर्म्स में ताकि उनके बिहेवियर में चेंजेस आए सो एजुकेशन फॉर वैरायटी ऑफ सोशल रूल्स हम इनको रिक्वायरमेंट रहती है और ये हेल्प करता है हमारी डेवलप करने में पर्सनालिटी ऑफ द चिल्ड्रन सी आपकी एजुकेशन कहते हैं ना ये एजुकेटेड लग रहा है आई एम नॉट सेइंग लिटरेसी आई एम नॉट सेइंग इलिटरेट है मैं एजुकेशन की बात करी नॉलेज पार्ट कितना एक्सपेंड किया है बच्चे ने उस हिसाब से हम उसको काउंट करते हैं वो जिस सोसाइटी में रहता हो, उसका होगा उसका नॉलेज उतना ज़्यादा होगा नो कम्स मैरिज मैरिज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन मैरिज होता क्या है मैरिज इज़ बेसिकली अ यूनिवर्सल वन ऑफ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन जिसमें कि मैन एंड वुमेन जो है एडमिट करते हैं फैमिली लाइफ को एंड ये फैमिली uh, के साथ क्लो, क्लोजली कनेक्टेड है कनेक्टेड है फैमिली एंड मैरिज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बेसिकली सो इसका काम क्या है मैरिज का मैरिज जो है बॉन्ड एंड्योर करता है ये रिलेशनशिप है एक मैन और वुमेन में यूनियन है मैन और वुमन की इनमें म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस को ये जो है क्रिएट करता है कुछ राइट्स और कुछ जो है आपकी ड्यूटीज़ को जो बोथ हस्बैंड और वाइफ को करनी है लाइफ में सो so, uh, वो भी ये करता है इट्स अ रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ आल्सो ऑल्सो एटलीस्ट टू द दबलिशमेंट ऑफ फैमिली एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर सो ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है सो इट इज़ मोर और लेस यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन अगर हम इसको कहें नो कम्स पॉलिटी पॉलिटी मीन्स पॉलिटिकल जो आपका आता है एस्पेक्ट पॉलिटी की हम बात करें तो पॉलिटी मीन्स इट्स इंसेंशियली एन एंशियंट एंड यूनिवर्सल एक्सपीरियंस सी इट इज अ फॉर्म ऑफ सिविल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट तो पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द अनअवॉडेबल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एवरी वन इज इन्वॉल्व इन सम फैशन एट सम टाइम इन सम काइंड ऑफ पोलिटिकल सिस्टम सो स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच रेगुलेट्स द सोशल रिलेशनशिप

एंड आई होप आपको समझ आया होगा स्टे ट्यून विद मी फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़ थैंक यू सो मच